डन डन गुड आफ्टरनून गाइस। दोपहर के बज रहे हैं 12:30 और मैं आद्या के लिए कॉर्नफ्लेक्स लेके आई हूँ खिलाने के लिए। इसको थोड़ी सी भूख लगाई थी और खाना अभी बना नहीं है, इसलिए मैंने सोचा था इसको अभी कॉर्नफ्लेक्स दे देती हूँ। और ये मैं क्या लेके बैठी हूँ, आज मैं लेके बैठी हूँ अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी की कुछ फोटो जो मेरे पास है। और ये क्या है, ये गिफ्ट है जो मेरी ननद ने मुझे दिया था। तो ये सारी चीजें आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और आज है थर्सडे और जैसा कि आप जानते हैं कि थर्सडे के दिन काफी टाइम होता है मेरे पास, क्योंकि थर्सडे को हम पोछा वगैरह नहीं लगाते हैं, मतलब मैं पोछा वगैरह नहीं लगाती हूँ थर्सडे की। नहीं, मैं पोछा नहीं लगाऊंगी, मैं प्याज का नहीं बनाऊंगी, मैं कपड़े वॉश नहीं करूंगी। तो ये तीन काम होते हैं जो मैं थर्सडे के दिन नहीं करती हूँ। तो थर्सडे के दिन थोड़ा सा फ्री रहता है मेरा, तो सोचा था आज थोड़ा फ्री हूँ और इसलिए आपके साथ आज मैं अपनी एनिवर्सरी की फोटो शेयर करती हूँ। और आज खाने में सिर्फ मैं मूंग की दाल बनाऊंगी लंच में। क्या हुआ कि एनिवर्सरी आने वाली है और मेरी एनिवर्सरी है 12 फरवरी को, और आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली है तो आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एनिवर्सरी आ रही है तो सबसे पहले मेरे मन में ख्याल आता है मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी को लेकर, क्योंकि वो फर्स्ट एनिवर्सरी जब मेरी हुई थी, सेलिब्रेट हुई थी तो घर पे हुई थी, तो फैमिली सभी लोग थी, उन सारी पिक्स है मेरे पास। इसको खिला देने के बाद मैं पहले लंच बना लूंगी और लंच बनाने के बाद मैं आपके साथ ये सारी फोटोज आपके साथ शेयर करूंगी। और आप इस दोस्त देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये एड्रेस वगैरह डला हुआ है तो मैं छुपा ले रही हूँ। और ये इसमें एड्रेस इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि ये मेरी ननद ने मुझे गिफ्ट भेजा था। ननद पढ़ाई कर रही थी, हॉस्टल में थी, कानपुर के हॉस्टल में, तो उस वो नहीं आ पाई थी एनिवर्सरी पर, मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी पर। तो उसने मुझे एक गिफ्ट अपने हाथ से बनाकर मुझे भेजा था, तो ये आया था बाय कोरियर। तो ये है वो, तो मैं सब कुछ दिखाऊंगी आपके साथ। पहले इसको खिला लेती हूँ, उसके बाद लंच बना लेती हूँ। मैंने आते देखा कि दाल है वो खत्म हो चुकी है, मूंग की दाल जो मैं हर बृहस्पतिवार को ज्यादातर बनाती ही बनाती हूँ, तो आज से ये खत्म हो गई। मतलब थोड़ी है, बहुत ज्यादा नहीं है कि मैं बना सकूं, इतनी है, कम है। तो मैं सोच रही हूँ कि ये मसूर की दाल है, धुली मसूर की दाल, इसको इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं और दोनों को मिलाकर बना दूं। मैंने कभी इन दोनों को मिलाकर बनाया नहीं है, बट आज नहीं है तो ट्राई करती हूँ कैसी बनती है। मैंने यहाँ दाल को चढ़ा दिया है और इसमें मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है ऊपर से, क्योंकि छिपकर वाली जो दाल होती है तो क्या होता है कि जब ये उबलती है तो इसका पानी बाहर निकलने लगता है, इस वजह से। तो अगर थोड़ा सा उसमें हम घी डाल देंगे या थोड़ा सा तेल ऑयल जो भी है आप डाल देंगे तो पानी बाहर नहीं निकलेगा। ये एक तरीका है और दाल बनाने का। तो ये तो दाल बन रही है, तब तक मैं
आटा गूंथ के रख लेती हूँ। तो फ्रेंड्स सिटी आ रही है और मैंने आज भी थ्रेडिंग नहीं करवाई है जाकर क्योंकि बारिश बंद ही नहीं हो रही है, कल से शुरू हुई है और आज तक चल ही रही है। ये मेरे ओट में क्या हो गया है? क्या होगा भी देखूंगी मैं। तो बारिश लगी पड़ी हुई है और सच में भगवान नहीं चाहते हैं कि मैं जाऊं थ्रेडिंग कराने, और एनिवर्सरी आने वाली है तो सोचती हूँ दो दिन और रुक जाऊं और फिर जाके थ्रेडिंग भी करा के आऊं। आंखें मत दिखाओ, सब्सक्राइबर डर जाएंगे और भाग जाएंगे। आद्या मत डराओ मेरे सब्सक्राइबर को, प्लीज प्लीज मेरे सब्सक्राइबर को मत डराओ। अच्छा कौन कौन डर गया प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, ठीक है ना? नहीं आई भी मत दिखाओ, डर जाएंगे सब्सक्राइबर। तो कुकर में दो सीटी आ चुकी है और मैं फटाक से गैस को बंद करके आती हूँ। तो निकाल लिया ना मैंने अपनी सारी फोटो को पिटारा दिखाने के लिए। तो ये हैं सारी फोटो जो अभी तक ना ही एल्बम में लगी हुई हैं और ना ही मैंने इनको किसी फ्रेम में कराया है, वो ऐसी रखी हुई हैं। और ये है वो गिफ्ट जो भेजा था मेरी ननद ने मुझे। तो सबसे पहले मैं वो गिफ्ट दिखाना चाहूंगी आपको। तो ये देखिए, तो लिखा हुआ है हैप्पी एनिवर्सरी भैया भाभी, और ये हाथ से उसने बनाकर भेजा है अपने खुद से बनाए थे, थोड़े से मुड़ गए हैं। तो ये पहली एनिवर्सरी का कार्ड है हमारा, तो काफी टाइम हो गया है। यहाँ पर थर्माकोल के कलरफुल दाने लगे हुए थे जो कि कुछ दब गए हैं, कुछ निकल गए हैं, और ये फूल भी काफी उभरा हुआ था तो वो भी थोड़ा सा दब गया है। बहुत ही प्यारा सा कार्ड बनाकर मेरी सिस्टर लॉ ने मुझे भेजा था, और बहुत मेरी जो सिस्टर लॉ वो छोटी सिस्टर लॉ है मेरी जो जिन्होंने मुझे बनाकर ये कार्ड भेजा था। और ये देखिए, और वो बाहर रह रही है हॉस्टल में इस वजह से, तो वो घर के सभी लोग बहुत मिस कर रही थी। उन्होंने बहुत सारी बातें हैं जो इस कार्ड में लिखकर उन तक, हम तक और हमारी फैमिली तक पहुंचाई हैं, और बहुत प्यारी प्यारी बातें हैं जिसमें इन्होंने लिखा है कि वो फैमिली को कितना मिस कर रही है, आज के दिन को, एनिवर्सरी को कितना मिस कर रही है, मम्मी को, पापा को, सबको बहुत मिस कर रही है। उन्होंने ये सब कुछ लिखा हुआ, भैया भाभी को मिस कर रही हूँ, और ये हमारे लिए विशेष लिखा हुआ है, माय डियर भैया एंड भाभी हैप्पी एनिवर्सरी, आई विश यू हैप्पी एनिवर्सरी लाइफ वगैरह सब कुछ उन्होंने इस कार्ड में एक हार्ट बनाकर उस पर लगा कर लिखा हुआ। उनका नाम है निक्की, तो उन्होंने यहाँ पे ये निक्की अच्छे से लिखा हुआ, ये स्माइली एक लगाया हुआ है ये देखिए, और ये यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है कपल जो लाइक मुझे और मेरे हस्बैंड को यानी अपने भैया और भाभी को ड्रॉ किया है कुछ इस तरीके से। तो बहुत ही प्यारा कार्ड उन्होंने बनाकर मुझको दिया है, तो सबसे अच्छा गिफ्ट मुझे यही लगा, तो मैंने इसको संभाल कर रख लिया है। और ये हैं सारी फोटो, तो मैं एक एक करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये है हमारी एनिवर्सरी की, फर्स्ट एनिवर्सरी की पहली फोटो। तो केक कटिंग कर रही हूँ मैं, और ये है मेरा देवर छोटा सा, ये मेरी मौसी सास का लड़का है, और ये मैं हूँ और मेरे हस्बैंड हैं। और ये जो मैंने साड़ी पहनी हुई है ये ब्लैक कलर की साड़ी है जो इन्होंने ही मुझे गिफ्ट में दी है। तो ये हमारी पहली एनिवर्सरी की फोटो है ये। उसके बाद केक कटिंग के बाद फिर हम लोगों ने एक दूसरे को भी केक खिलाया था, तो ये फोटो है। और मैंने जो इनको गिफ्ट में शर्ट दी है वो अभी इसमें नहीं पहने हैं, और इन्होंने अपना सूट पहन लिया था। फिर सब लोग बोले कि जो भाभी ने गिफ्ट दिया है वो पहन, जो शर्ट दी है गिफ्ट में वो पहन के आओ। फिर उसके बाद वो बाद में वो गए थे वो सूट उतार कर वो शर्ट पहनने। तो ये केक खिलाते हुए हम लोगों की फोटो है। और ये है हमारे हस्बैंड की फ्रेंड जो आए थे हमारी एनिवर्सरी पे, तो उन्होंने ये बुके दिया था गिफ्ट में मुझे, तो हम लोग ले रहे हैं। ये तब की फोटो है। और ये फोटो है
मेरी फैमिली यानी मेरे मायके की तरफ की। ये तो मेरा अभी हमने दिखाया, मैंने आपको दिखाया था कि ये मेरा देवर है, मेरी मौसी सास का लड़का, अब तो काफी थोड़ा बड़ा हो गया है, जो पहले छोटा था। तो ये मेरे भाई हैं, और मेरे भाई है और एक ये मेरा भाई सबसे छोटा भाई है, और ये भी मुझसे ही छोटा है लेकिन काफी लंबा है, मेरी हाइट से काफी लंबा है ये। तो ये भी मुझसे छोटा भाई है लेकिन ये वाला भाई सबसे छोटा है, और ये मेरी बहन है, और एक बहन है जो मेरी अभी आई नहीं है, और एक और भाई है मेरा जो आया नहीं था। तो हमको मिलाकर हमारे तीन भाई बहन हैं। तो ये हम हमारे लिए गिफ्ट लेके आए थे, तो इसमें साड़ी है, इसमें टीवी आई थी, मेरे बेडरूम में टीवी नहीं थी, हमारी जॉइंट फैमिली है तो एक बड़ी टीवी बस लगी हुई थी, तो हम सब लोग वही टीवी वॉच करते थे उसी में। तो मेरे बेडरूम में टीवी नहीं थी, तो इस फर्स्ट एनिवर्सरी पे भैया ने ये टीवी गिफ्ट में दी थी मुझको। तो ये वो है, और ये मेरी बहन है, और एक ये फोटो है कि सब, ये मेरी ननद है, इन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था। तो हमने भी सोचा था कि जब दीदी लोग हमको गिफ्ट देंगी तो हम लोग इनको रिटर्न गिफ्ट देंगे। तो ये रिटर्न गिफ्ट के पैकेट्स हैं जो मैंने, जब मैं मायके गई थी एनिवर्सरी से पहले, तो वहां से लेकर आई थी ये गिफ्ट, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि मैं वहां से सबके लिए रिटर्न गिफ्ट भी लेके आई हूँ। तो रातों रात हमने इनको अच्छे से रैप किया है, खुद से पैक किया है और इन सबको बांटा दिया है उन सबको। और ये फोटो में मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, मेरे ससुर जी हैं और मेरी सासू माँ है। तो ये है मेरी सासू माँ और ये मेरे ससुर जी हैं। और ये फोटो में मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है और ये मेरा देवर है, वही मौसी सास का लड़का। और ये है मेरी मौसी सास और ये मेरे हैं अंकल चाचा ससुर जी। तो मेरी सास और मौसी सास सगी बहन है, तो यही मेरी चाची सास भी हैं, मौसी सास भी हैं, और ये उन्हीं का लड़का है। और उसके बाद ये फोटो, इसमें मेरी ननद सारी खड़ी हुई हैं और मेरी बहन के साथ में। और इस फोटो में है मेरी ये चाची सास और मैं, मेरे हस्बैंड और ये चाची सास का लड़का, ये तो मौसी सास की लड़की है, और ये है इनका बेटा है ये। और इनसे दो बेटे हैं, एक ये और एक और है, वो अभी इस फोटो में नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस फोटो में है वो लड़का, ये है मेरी चाची सास का लड़का। और मेरी सिस्टर लॉ, ये भी मेरी सिस्टर लॉ, ये इनके दोस्त हैं, ये तो मेरा देवर बताया है। और ये दोनों भाई भाई हैं, और ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरी नंद, ये बहन, ये दीदी, और ये तीनों भाई बहन हैं। और एक फोटो ये है कि ये मेरी बुआ सास हैं, और बुआ सास मतलब ये मेरे मोहल्ले में ही रहती हैं वो हैं, लेकिन बुआ सास लगती हैं। और ये उनकी बेटी है, ये बुआ सास मतलब बहुत ही करीब हैं घर के हमारे। और एक ये फोटो है, और ये मैं और मेरे हस्बैंड तो हैं ही, और ये मेरी मामा की लड़की हैं, मेरी दीदी, और ये उनका बेटा, और ये उनके हस्बैंड। और शादी के बाद से रिश्ते में अगर देखा जाए तो ये मेरे मामा ससुर लगते हैं, यानी मेरे हस्बैंड की ये मामा है और मेरे हस्बैंड की ये मामी है। तो ससुराल के रिश्ते से ये मेरे मामा ससुर लगते हैं, ये मेरी मामी सास लगती हैं, लेकिन अगर मेरे मायके के रिश्ते से देखा जाए तो ये मेरी दीदी हैं, ये मेरे जीजा जी हैं। तो मैं इनको दीदी और जीजा जी बोलती हूँ, क्योंकि शादी से पहले हमारा रिश्ता दीदी और जीजा का था, और अब सास और ससुर का हो गया है तो अलग है, लेकिन मैं नहीं मानती, मैं दीदी और जीजा का रिश्ता ही मानती हूँ। और ये है उनका बेटा, तो वो भी आए थे मेरी एनिवर्सरी पे। और ये है एक मेरा सिंगल खड़ा करके फोटो पोज लिया गया था, तो एक ये है फोटो। और इस फोटो में जो मैंने ये ब्लैक कलर की साड़ी पहनी है, ये तो मेरे हस्बैंड ने मुझको गिफ्ट दी थी, मैंने बताया है, और मुझे रेडी मेरी ननद ने किया था, लिपस्टिक कुछ ज्यादा ही लगा ली थी मैंने, मतलब मेरे दीदी ने लगा दिया था। और ये मांगटीका मैं लगाई हुई हूँ, ये देखिए दिख नहीं रहा कैमरे में, धुंधला सा आ रहा थोड़ा सा, और हाँ फोकस फोकस। तो मैंने ये मांगटीका लगाया था, वो भी दीदी ने ही लगाया था सब कुछ, वो ही तैयार करती हैं मुझे अच्छे से, क्योंकि मुझे साड़ी पहनना नहीं आता था बिल्कुल तब, और वो ही मुझे साड़ी पहनाती थी, तो पूरा प्रॉपर उन्होंने ही रेडी किया था। उनको अच्छा लगता है मुझको रेडी करना, तैयार व्यार करना, तो कुछ इस तरीके से पोज देकर मैंने फोटो दी थी। और बस ये कुछ यादें हैं ऐसी बनी रहती हैं फोटो के थ्रू, जब देखो ना तो याद आता रहता है।
और एक ये फोटो, इसमें सब सब लोगों ने बोला कि जाओ वो भैया भाभी ने जो शर्ट दी है वो भैया पहन के आओ, तो जाके इन्होंने चेंज की थी फिर ये शर्ट पहन के आई है। ये मैंने इनको दी थी गिफ्ट में। और ये मेरी ननद खड़ी है, ये मेरा देवर छोटा वाला शरारती, ऐसे जब फोटो खींच रही थी तो कैसे आंखें ऐसे हाथ लगाकर आंखें बड़े करके खिंचवा रहा है फोटो। तो गाइज मैंने आपको अपनी सारी फोटो है वो दिखा दी है एंड अब मैं इनको समेट के रखूं और दाल भी बन गई है और उसमें तड़का लगाना है बस। तो तड़का लगाऊंगी, रोटियां सेकूंगी गर्मा गर्म। आपको कैसा लगा मेरी फैमिली से मिलकर फोटो के थ्रू और मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी की फोटो देखकर मुझे प्लीज बताना। और अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करेंगे, मुझे बताएंगे, मुझे फीडबैक देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने आपको अपनी फैमिली की तरीके ही समझा है और मैं आपको अपनी यूट्यूब फैमिली मानती हूँ। हालांकि अभी बहुत थोड़े लोग हैं लेकिन धीरे धीरे बढ़ जाएंगे, उम्मीद करती हूँ बढ़ेंगे। और जैसे जैसे मेरी फैमिली थोड़ी सी बड़ी होने लगेगी तो और भी अच्छा लगता है सब चीजें शेयर करना। अभी ऐसा लगता कोई मतलब नहीं वॉच कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसलिए सारी चीजें नहीं कर। कभी कभी मन करता है एल्बम शेयर करूं अपनी शादी का, अपनी साड़ी शेयर करूं, अपनी कुर्ती ज्वेलरी बहुत सारी चीजें हैं जो कि सब कुछ शेयर करें, सबकी ढेर सारी बातें वो सब कुछ शेयर करूं, सारी बातें बताऊं। तो बस यही सब है और फोटो को उठाकर रख लेती हूं। ये है मेरा आज का खाना, ये है मेरी दाल जो अभी मैंने तड़का दी है इसमें, और ये रोटियां सेक ली, ये खीर कल बनाई थी मैंने। अगर आपने कल का व्लॉग देखा होगा मेरा तो कल खीर बनाई थी तो वो बच गई थी। मैंने मुझे ठंडी खीर बहुत अच्छी लगती है तो इतनी सी बची थी तो मैंने आज रख ली है खाने के लिए। तो मैं अपना लंच कर लेती हूँ। सो गाइज खाना वगैरह सब हो गया है मेरा और मोटर चल रही है, मतलब पानी टंकी खाली हो चुकी है तो मैंने अभी जस्ट मोटर ऑन की है ताकि पानी भर जाए। और सुबह से पानी नहीं आ रहा था तो अभी मैंने देखा कि चलो मैं मोटर चला कर एक बार फिर से देखती हूँ पानी आ रहा है या नहीं। तो टंकी भर रही है, आवाज़ आ रही होगी मोटर की अगर आ रही है तो। और वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए इसलिए मैं वीडियो को अपने एंड करती हूँ यहीं पर। और बाय बाय, और प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा है।